अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12th क्लास के कहकशा बुक से चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मिट्टी का तेल। और ये जो चैप्टर है ये एक मजमून है। मजमून तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं निबंध और इंग्लिश में बोलते हैं एसे। यानी कि किसी भी टॉपिक पर उसके बारे में पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से लिखकर बता देना ही मजमून कहलाता है। आप किसी भी टॉपिक पर मजमून लिखिए, उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी लिखना ज़रूरी होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मजमून। और हिंदी में बोलते हैं निबंध और इंग्लिश में बोलते हैं एसे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये एक मजमून है। और ये मजमून, ये निबंध किस पर लिखा गया है, तो मिट्टी का तेल पर लिखा गया है। ठीक है, और इस चैप्टर के राइटर हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। यानी कि मिट्टी के तेल नाम के इस मजमून के लेखक मुसन्निफ कौन है, ख्वाजा हसन निज़ामी। तो सबसे पहले हम लोग ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में समझेंगे। इनके बारे में कुछ डिटेल्स आप लोगों के बुक में दिया गया है, और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सारा मैं बोर्ड पर लिख दी हूँ। और ज़रूरी होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है, और इसीलिए ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, और फिर उसके बाद से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए, ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में जानिए। इनकी पैदाइश हुई है दिसंबर 1878 को एक मुअज्ज़ज़ ख़ानदान में, दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में। ठीक है, जो उनका आबाई मकान था। यानी कि दिसंबर 1878 को ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश हुई, और एक मुअज्ज़ज़ ख़ानदान में, यानी कि बहुत ही अच्छे ख़ानदान में उनकी पैदाइश हुई थी, जो उनसे बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा मानता था। और उसके बाद से कहाँ पर, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में, ये जगह का नाम है। ठीक है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में उनकी पैदाइश हुई थी ख्वाजा हसन निज़ामी की, जो कि उनका आबाई मकान था। आबाई मकान मतलब समझते हैं ना, मूल निवासी, वहीं पर पैदा हुए और वहीं पर वो रहते थे। तो वो उनका आबाई मकान था, घर था। ठीक है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। वालिदीन ने उनका नाम कासिम अली रखा, जो ख्वाजा हसन निज़ामी के माता पिता है, अबू अम्मी है। तो उनके अबू अम्मी जो है ना, ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम रखे थे कासिम अली, लेकिन उनके जो मामू हैं उन्हें अली हसन कहकर पुकारते थे। ठीक है, उनके माता पिता जो है अबू अम्मी, उनका नाम भले ही कासिम अली रखा था, लेकिन ख्वाजा हसन निज़ामी के जो मामू थे वो क्या कहकर पुकारते थे, अली हसन कहकर पुकारते थे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो देखिए क्या लिखा है। लेकिन अल्लामा इकबाल ने उन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया, और वह उसी नाम से मशहूर हो गए। अल्लामा इकबाल जो है ना, ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम वही रखे, और वही ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया, और उसी नाम से ख्वाजा हसन निज़ामी मशहूर हो गए। ठीक है, आगे बढ़िए। इनके वालिद यानी कि इनके पिताजी का नाम है सैयद आशिक़ अली निज़ामी। ठीक है, और इनके वालिदा यानी कि इनकी अम्मी माँ का नाम है सैयदा चहेती बेगम, याद रखिएगा। और इनके बड़े भाई का नाम है सैयद हसन अली शाह, याद रखना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 18 बरस की उम्र में अपने चाचा की लड़की सैयदा हबीब बानो से निकाह हुआ। ख्वाजा हसन निज़ामी का निकाह किससे हुआ, उनके चचा की लड़की जिनका नाम था सैयदा हबीब बानो। लेकिन पहली बीवी के वसाल के बाद, ये जो सैयदा हबीब बानो है ना, इनका इंतकाल हो गया। ठीक है, और उसके बाद सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से निकाह हुआ। ख्वाजा हसन निज़ामी की जो पहली बीवी थी सैयदा हबीब बानो, उनका इंतकाल होने के बाद, मौत होने के बाद जो है वो दूसरा निकाह किए, और जिस लड़की से दूसरा निकाह किए उसका क्या नाम था, सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब की इब्तदाई ज़िंदगी बड़ी परेशानियों में बसर हुई। उन्होंने मुख्तलिफ हिंदू तीर्थ स्थानों की भी यात्रा की, और हिंदू साधुओं से फ़लसफ़ा वेदांत सीखा। जो है ना, ख्वाजा हसन निज़ामी का जो इब्तदाई ज़िंदगी था, शुरुआती ज़िंदगी, वो मतलब बहुत ही परेशानियों से गुजरी, लेकिन फिर उन्होंने बहुत सारे जो है ना हिंदू तीर्थ स्थानों पर यात्रा भी की, और हिंदू साधुओं से जाकर फ़लसफ़ा वेदांत भी सीखा, यानी कि वेदांत का दर्शन किया। वो आप लोग जानते भी होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद होता है ना, वो मतलब जाकर वो वेदांत का भी दर्शन किए, वो भी सीखे हिंदू साधु से, ख्वाजा हसन निज़ामी। ठीक है, आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब ने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी, 200 से ज़्यादा ख्वाजा हसन निज़ामी ने किताबें लिखी हैं, और हर जगह सादा ज़ुबान इस्तेमाल किया है। और जितनी भी किताबें लिखी हैं, हर किताब में उन्होंने एकदम सिंपल सा लैंग्वेज यूज़ किया है, अपना जो भाषा यूज़ किया, बहुत ही आसान और सिंपल भाषा यूज़ किए हैं। ठीक है, तसानीफ़ की बात की जाए, इनकी क्रिएशन, ख्वाजा हसन निज़ामी जो है वो कितनी किताबें लिखे,
कौन कौन सी किताबें लिखी उसी को बोलते हैं हम लोग तसानीफ, मतलब उनके किताबों के नाम, वो कौन कौन सी किताबें लिखे उसी को बोलते हैं हम लोग तसानीफ, याद रखिएगा ठीक है। तो इनका तसानीफ का नाम देखिए लिखा है रोजनामचे, अलमी चेहरे, सी पारा दिल, ये सब किसने लिखा है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है, उन्हीं का क्रिएशन है तसानीफ है। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाना निज़ामी बांसुरी के नाम से तरतीब थी। देखिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की इन्होंने सवाना यानी कि बायोग्राफी जीवनी लिखी, और किस नाम से वो मशहूर हो गया, निज़ामी बंसूरी के नाम से। निज़ामी बंसूरी के नाम से जो है ना, तो ख्वाजा हसन निज़ामी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाना यानी कि बायोग्राफी लिखे थे, पूरा जीवनी लिखे थे ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़िए, इनका इंतकाल हो गया है 31 जुलाई 1955 ईस्वी को। तो ये हो गया ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग 100% सही लिखकर और सही टिक लगा कर आइएगा ठीक है। अब चलिए ज़रा इस चैप्टर को जो कि एक मजमून है इसको समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि इसमें मिट्टी के तेल के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीन शॉट। अब चलिए ज़रा इस चैप्टर को समझ लेते हैं। देखिए इस मिट्टी के तेल नाम के मज़मून में ना शुरू में ख्वाजा हसन निज़ामी लिखे हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई जो बेकार हो, जिसको नीचा, हकीर व जलील समझा जा सके। कोई भी इस दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं बनाई जो बेकार हो, जिसका कोई यूज़ नहीं हो। देखिए दुनिया में चार अंसुर हैं यानी कि चार तत्व हैं, आग, हवा, पानी और खाक। खाक यानी कि मिट्टी होता है ठीक है। तो आग, हवा, पानी और खाक, इन चारों तत्वों में जिसको सबसे ज़्यादा बेकार, हकीर व जलील, जिसको सबसे ज़्यादा नीचा समझा जाता है वो है खाक यानी कि मिट्टी। दुनिया के जितने भी लोग हैं ना वो इसी मिट्टी को अपने पाँव से रौंदते हैं। यही वो मिट्टी है जो पानी के बहाव के साथ बह जाती है और हवा के झोंके से उड़ जाती है, आग की गर्मी से झुलस जाती है, लेकिन उफ तक नहीं करती। और इस मिट्टी को इस दुनिया के लोग इतना बेकार और नीचा समझते हैं। मुझे इस मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है, ये कौन बोल रहा है, ख्वाजा हसन निज़ामी लिखे हैं। और वो ख़ुद बोल रहे हैं कि मुझे मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है कि लोग जो है इस मिट्टी को पाँव से रौंदते हैं। यही वो मिट्टी है जो पानी के बहाव के साथ बह जाती है और हवा के झोंके से उड़ जाती है और आग की गर्मी से झुलस जाती है, लेकिन उफ तक नहीं करती। इसीलिए मुझे इस मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है, लेकिन फिर भी इस मिट्टी से जाकर सवाल करो तो ये जो मिट्टी है वो खुदा का लाख लाख शुक्रिया अदा करेगी कि मेरी जो शान है इतनी बड़ी और निराली बनाई। मेरे ही वजूद से किसी भी चीज़ का खमीर होता है, कोई भी चीज़ बनाई जाती है। यहाँ तक कि इंसान भी जो है ना वो मुझसे ही पैदा होता है, मिट्टी से ही पैदा होता है, और मिट्टी के वजह से ही वो ज़िंदा रहता है और मिट्टी में भी वो फना हो जाता है, यानी कि मिट्टी में ही वो क्या हो जाता है, दफन हो जाता है। इतनी मतलब मेरी बड़ी और निराली शान बनाई तूने, मिट्टी जो है खुदा का लाख लाख शुक्रिया अदा करती है ठीक है। आगे देखिए क्या लिखी हूँ, इसी मिट्टी के तह में नायाब खजाने कुदरत ने छुपा रखे हैं। इसी मिट्टी के तह में सोना, चांदी, हीरे, जेवरात, मोती वगैरह जो है कुदरत ने, प्रकृति ने, खुदा ने छुपा कर रखे हैं। और इसी मिट्टी के तह में जो है ना एक चिकना और बदबूदार पानी होता है जिसको कहते हैं हम मिट्टी का तेल। और वो जो मिट्टी का तेल है वो अगर बात की जाए उस मिट्टी के तेल और चंबेली के तेल और मोतिया के तेल के कंपटीशन के मुकाबले की, तो चंबेली और मोतिया के तेल का तो खुशबू बहुत ही अच्छा होता है। लोग जो है ना चंबेली और मोतिया के तेल की खुशबू को सूंघना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही मिट्टी के तेल की बात आती है तो लोग अपना नाक मुँह ढक लेते हैं ठीक है, क्योंकि मिट्टी का तेल का खुशबू नहीं बल्कि बदबू होता है, इसीलिए ढक लेते हैं। लेकिन खुशबू के लिहाज से चंबेली का तेल और मोतिया का तेल जीत जाता है ना। जब मिट्टी के तेल में और चंबेली और मोतिया के तेल में कंपटीशन होता है तो खुशबू के लिहाज से चंबेली और मोतिया का तेल जीत जाता है। लेकिन अगर बात की जाए ज़रूरत के लिहाज से, किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसमें जीत जाता है मिट्टी का तेल ठीक है। मिट्टी का तेल ही है जिससे पूरा दुनिया रोशन होता है, चिराग रोशन होता है। इसी मिट्टी के तेल में इस दुनिया में जितने भी मोटर गाड़ियाँ हैं, कार वगैरह है, इसी मिट्टी के तेल पर, तेल के दम पर चलती है। जितने भी मोटर गाड़ियाँ इस दुनिया में चलती हैं मिट्टी के तेल के दम से ही चलती हैं, और इस दुनिया में रोशनी भी जो है मिट्टी के तेल की वजह से है। हाँ वो बात अलग है कि अभी जो है लाइट आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया है, तो मतलब अभी बल्ब की व्यवस्था है, पोल लगा दिए गए, ट्रांसफार्मर की व्यवस्था है, अभी बल्ब जो है जलाया जा रहा है, लेकिन मिट्टी का तेल ही एक ऐसा तेल है जिससे चिराग को जलाया जा सकता है, जिससे दुनिया रोशन हो सकती है
ठीक है, इसी मिट्टी के तेल की रोशनी में लड़के जो है बच्चे वो अपना सबक याद करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और इसी मिट्टी के तेल की रोशनी की वजह से बूढ़े जो है वो ठोकर लगने से बचते हैं। इसी मिट्टी के तेल में नमाजी नमाज पढ़ते हैं, पुजारी पूजा करते हैं। इसी मिट्टी की तेल की रोशनी में कोई भी इंसान जिसको दर्द मिला होता है अपने गम का गुशार करता है। देखिए, मिट्टी का तेल इंसान का शरीक गम भी है, यानी कि जब इंसान की जुदाई की रात होती है, वो गम में डूबा होता है, तो उस रात को जो है ना एक मिट्टी का तेल ही है जो जल जल कर अपना वजूद ख़त्म करता है और उस इंसान का साथ देता है, उसके गम में शरीक होता है। क्योंकि उस जुदाई की रात में उस इंसान के साथ कोई नहीं होता, उस रात उस कमरे में जो है वो सिर्फ वो अकेला इंसान होता है, अपने जुदाई की रात को अपने गम को याद करता है और उसी कमरे में बस चिराग जलाए रखता है और वही मिट्टी के तेल का चिराग रहता है। और मिट्टी का जो तेल है वो जल जल कर अपना वजूद ख़त्म करता है और उस इंसान के गम में शरीक होता है। तो जब इंसान की जुदाई की रात होती है और उसका वो गम में डूबा होता है ना, तो इंसान के गम में भी ये जो मिट्टी का तेल है वो शरीक हो जाता है। ठीक है, तो शरीक गम भी बोला गया है, इंसान के शरीक गम में भी मिट्टी का तेल का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अमेरिका का रॉकफेलर जो कि एक ताजिर है, यानी कि बिजनेसमैन है, जो कि अपना बिजनेस इसी मिट्टी के तेल से ही के साथ ही शुरुआत की थी, और देखते ही देखते ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया और इसके मिट्टी का तेल का बिजनेस बहुत चारों तरफ फैल गया। ठीक है, तो ये देखिए, मिट्टी के तेल का बिजनेस की वजह से ये आज अमेरिका का रॉकफेलर जो है वो करोड़पति बन गया है। ठीक है, इतना ये मिट्टी का तेल महत्वपूर्ण है। और आप देखिए, मिट्टी के तह में कुदरत ने जो नायाब खजाने छुपा रखे हैं, सोना चांदी हीरे जेवरात, इसी को यूज़ में लाकर ही तो इंसान आदमी कहलाता है। सोना चांदी हीरे जेवरात इंसान ख़रीदता है, बेचता है, इससे पैसे की आमदनी होती है, मोती वगैरह, हीरा, उसके बाद से मिट्टी का तेल, इसी को तो यूज़ में लाकर इंसान आदमी कहलाता है ना। तो सोचिए, इस मिट्टी के तह में कुदरत ने, खुदा ने कितने नायाब खजाने छुपा कर रखे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल के बिजनेस की वजह से अमेरिका का रॉकफेलर जो है वो करोड़पति बन गया। ठीक है, आगे बढ़िए। खाक यानी कि मिट्टी बेगर्ज और बेताल्लुक है। कैसे, अब मैं बताती हूँ। देखिए, इस मिट्टी के तेल की रोशनी में कोई नमाजी नमाज पढ़े, पुजारी पूजा करे, या फिर कोई चोर चोरी करे, या फिर कोई शराबखोरी करे, इससे कोई मतलब नहीं है मिट्टी के तेल को। बस मिट्टी का तेल का काम क्या है, उसको रोशनी देना। अब उसकी रोशनी में कोई क्या कर रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो बेगर्ज है और बेताल्लुक है, उससे मिट्टी के तेल का कोई ताल्लुक नहीं है कि उसकी रोशनी में कौन क्या कर रहा है, बस इसको रोशनी देने से मतलब है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस मिट्टी के तेल के पास ऐसी ताकत नहीं है कि वो इंसान को रोक सके जो गलत काम कर रहा है इसकी रोशनी में। बिल्कुल इसके पास ताकत है, लेकिन ये अपनी अच्छी ताकतों का इस्तेमाल करता है जिससे इंसान को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, तो मिट्टी जो है खाक वो बेगर्ज और बेताल्लुक है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि इसकी रोशनी में कौन इंसान जो है क्या कर रहा है, बस इसको रोशनी देने से मतलब है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिट्टी के तेल के बारे में ख्वाजा हसन निज़ामी लंबा चौड़ा किताब में लिखे हैं, और जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा चीज़ मैं आप लोगों को बता दी। और इनफैक्ट मैं आप लोगों को पूरा बुक ही बता दी, जो भी बुक में लिखा गया था मिट्टी के तेल के बारे में वो सारा चीज़ बता दी। तो कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा और जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद से सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।